दोस्तों, आज इस लेक्चर में हम बात करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे रास बिहारी बोस एंड रास बिहारी घोष। ये दो व्यक्तित्व हैं और ये दोनों पश्चिम बंगाल से संबंध रखते हैं, तो छात्रों को इसमें कभी कभी कन्फ्यूज़न हो जाती है और अगर पता भी है तो बहुत लिमिट जानकारी है। तो मैं कुछ ऐसे टॉपिक रखते हैं जो अक्सर एग्ज़ामों में इससे रिलेटेड पूछा जाता है। तो आइए शुरू करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं रास बिहारी घोष और रास बिहारी बोस के बीच में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रास बिहारी घोष के बारे में। यहाँ पे मैंने प्रोनाउंसिएशन किया हुआ है, ये बंगाली में प्रोनाउंसिएशन किया जाता है और लिखा जाता है इस तरह, इस स्पेलिंग में। तो सबसे पहले रास बिहारी घोष, वो एक राजनेता थे, पॉलिटिशियन थे, लॉयर भी थे, वकील थे, सोशल वर्कर थे एंड फिलैंथ्रोपिस्ट थे, मतलब परोपकारी और मानव प्रेमी। ये क्वेश्चन अधिकतर एसएससी के एग्जाम में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पूछा जाता है। ये पहला इनके बारे में ये है। दूसरा फैक्ट ये है कि ही डोनेटेड 13 लाख रुपीज टू इस्टेब्लिश अ नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन, शॉर्ट फॉर्म NCE, एट जादवपुर। ये जादवपुर पश्चिम बंगाल में है, कोलकाता के पास। इट लेटर बिकम जादवपुर यूनिवर्सिटी। आज के समय में जो जादवपुर यूनिवर्सिटी है वो पहले NCE हुआ करता था। एंड घोष वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ NCE। और रास बिहारी घोष को प्रेसिडेंट, पहला प्रेसिडेंट बनाया गया था NCE के उस जमाने में। उसके बाद अब आप आते हैं कांग्रेस के अधिवेशन में। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 1907 के कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस में फूट पड़ गई थी और कांग्रेस का विभाजन हो गया था नरम दल व गरम दल में। तो इस अधिवेशन की, 1907 के अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी घोष ही कर रहे थे, जो कि बहुत ही हंगामेदार रहा। उसके अगले वर्ष 1908 में भी कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन में भी इसकी अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने की। इससे पहले 1907 से पहले 1906 में, नोट कर लीजिएगा, 1906 में कांग्रेस के कोलकाता के अधिवेशन में रास बिहारी घोष को कांग्रेस के स्वागत समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। इनका जन्म हुआ 23 दिसंबर 1845 को वर्धमान डिस्ट्रिक्ट में, जो पश्चिम बंगाल स्टेट में है, और इनकी मृत्यु 1921 में हुई थी, जबकि इनका एग्जैक्ट डेट अज्ञात है। अब हम बात करेंगे रास बिहारी बोस के बारे में। तो रास बिहारी बोस के बारे में बात करने से पहले उनके एक प्रोनाउंसिएशन पे देख लेते हैं। रास बिहारी बोस, जिसका स्पेलिंग इंग्लिश में इस तरह लिखा जाता है, ये क्रांतिकारी थे। रास बिहारी घोष जो थे वो राजनेता थे, ये क्रांतिकारी थे। क्रांतिकारी का मतलब होता है जिसमें हिंसात्मक थोड़ी प्रवृत्ति होती है, उन्हें क्रांतिकारी कहते हैं। ये वकील थे, ये शिक्षाविद थे। तो आइए ये सब एक एक करके, क्यों क्रांतिकारी थे, क्यों शिक्षाविद हुए, वकील तो थे ही, तो ये आपको आगे के फैक्ट में पता चल जाएगी। तो सबसे पहले क्रांतिकारी कैसे बने। दिसंबर 1912 में इन्होंने लॉर्ड हार्डिंग 2 पर दिल्ली में बम फेंका था, और बम फेंकने के बाद वो फिर जापान भाग गए। हालांकि उस बम कांड में नाकाम कोशिश हुआ, लॉर्ड हार्डिंग की मृत्यु नहीं हो पाई थी और ये एक नाकाम कोशिश हुआ था। यहाँ पे लॉर्ड हार्डिंग 2 इसलिए लिखा जा रहा है कि इससे पहले भी एक लॉर्ड हार्डिंग थे, जिसे लॉर्ड हार्डिंग 1 कहा जाता है। तो जैसा कि अगर डिफ्रेंशिएट करें लॉर्ड हार्डिंग 1 और लॉर्ड हार्डिंग 2 में, तो आप यहाँ जान जाए कि ये जो लॉर्ड हार्डिंग 2 है, इसी के शासनकाल में भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली ट्रांसफर हुआ था,
और दिल्ली ट्रांसफ़र हुआ था, और इसी समय 1912 में ही दिसंबर में लॉर्ड हार्डिंग टू के द्वारा शोभा यात्रा दिल्ली में निकाली जा रही थी, और उसी दरम्यान रास बिहारी बोस ने उन पर बम से हमला किया था, पर ये नाकाम हो गया ये हमला। और जो लॉर्ड हार्डिंग वन थे उनके शासनकाल में नर बलि प्रथा का अंत हुआ था, और प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ था जो 1845-46 के दौरान हुआ था, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध। चलिए अब फिर आगे आते हैं। आगे इन्होंने फिर जापान भाग गए, उसके बाद फिर इन्होंने आज़ाद हिंद फौज का निर्माण में प्रमुख भूमिका निभाया, जो कि 1942 में आज़ाद हिंद फौज का गठन हुआ था, इसमें इन्होंने प्रमुख भूमिका निभाया। उसके बाद जापान में ही रास बिहारी बोस ने न्यू एशिया नाम से एक समाचार पत्र निकाला। आगे इन्होंने फिर रामायण का जापानी भाषा में अनुवाद किया, इससे पता चलता है कि ये शिक्षाविद भी थे। इनके निधन के कुछ समय पहले जापानी सरकार ने उन्हें ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन के सम्मान से अलंकृत किया था। उसके बाद फिर इनका जन्म, अब आते हैं, जन्म 25 मई 1886 को बीरभूम डिस्ट्रिक्ट में हुआ था, जो कि पश्चिम बंगाल में है। बीरभूम डिस्ट्रिक्ट में ही हमारे पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जी का जन्म स्थान है बीरभूम ही। इनकी मृत्यु 21 जनवरी 1945 को टोक्यो जापान में हुआ था। तो रास बिहारी बोस जब जापान भाग गए थे, तो वहाँ जाकर उन्होंने जापान की ही एक महिला से शादी कर ली, और फिर जापान की नागरिकता प्राप्त कर ली थी। तो जैसा कि मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही फायदेमंद साबित होगी आपके आने वाले एग्ज़ाम में, और आपके नॉलेज में भी ये खासा नॉलेज इंक्रीज करेगी दोनों को डिफ्रेंशिएट करने में। और उम्मीद करते हैं कि आगे अगर रास बिहारी घोष और रास बिहारी अगर बोस का नाम दिया हुआ रहे, तो आप उनके किए गए कार्यों से परिचित रहेंगे और उनमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। धन्यवाद।